आटे के लिए जनाब सारे लोग दिहाड़ीदार मजदूर जो है गरीब लोग वो पूरा अपना दिन भी जाया करते हैं एक बोरी के लिए। लोग अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खाकर मर रहे हैं। एक आटे की बोरी के पीछे वो अपना पूरा दिन भी जाया करते हैं, दिहाड़ी भी जाया करते हैं। This video has been made to show the truth in which we have given our full research and time so that with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known. लोग अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खाकर मर रहे हैं, तो ये जब अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क में अगर आपने कंट्री को स्टेबल करना है तो इसके वाहिद जो हल है वो इलेक्शंस हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे लॉ के अंदर भी है कि 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं। और जिस तरह आटे की बात की आपने, तो हमारे मुल्क में मतलब जो अभी उन्होंने ये सिर्फ ये ड्रामा ही है एक किस्म का कि जो आटे के लिए जनाब सारे लोग दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं गरीब लोग वो पूरा अपना दिन भी ज़ाया करते हैं एक बोरी के लिए, ठीक है। इसकी निस्बत अगर वो आटा ही सस्ता कर दें, जिस तरह लोग अब आपने देखा होगा कि कितने लोग आटे की लाइनों में लगकर 6 से 7 अमवात हो चुकी हैं, और अगर यही अगर वो मतलब पर बोरी की जो कीमत है वही मतलब डाउन कर दें, 100 रुपये कर दें, 50 रुपये कर दें, तो वो गरीब एटलीस्ट खुश होकर लेंगे तो सही और इज़्ज़त से लेंगे, बजाय कि वो पूरा दिन जनाब जलील होते हैं, रुसवा होते हैं और एक आटे की बोरी के पीछे वो अपना पूरा दिन भी ज़ाया करते हैं, दिहाड़ी भी ज़ाया करते हैं और मार दाड़ और वो धक्कम पेल से भी सारा वो गुजरते हैं। हालात तो इतने खराब हो चुके हैं ना कि वहाँ पे लोग जो है छीना छपटी कर रहे हैं आटे के लिए, लूट मच रही है। अभी हाल ही में एक पेशावर की वीडियो सामने आई थी कि उसमें कैसे ट्रक को लूटा जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि पहले मैं लूंगा, इतनी हाथापाई हो रही है एक आटे की बोरी के चक्कर में। आप एक बार वो वीडियो देखिए। देखा आपने, अब वहाँ पे लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बच्चे जो बेचारे भूखे बैठे हैं वो क्या खाएंगे, उनको भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं इससे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।